घटना से इतने कम वक्त में महाभारत की कुल कायनात का बयान भी मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आज उसके कुछ चुनिंदा हिस्से हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो हाजिर, अगर आपको हमारी दास्तान में कोई चीज़ अच्छी लगे, आपको लुत्फ आए, तो आप कहेंगे तो जी आप ताली बजा सकते हैं। तो दिल खोल के दाद दीजिए, दिल खोल के तालियां बजाइए, क्योंकि जितनी अच्छी आप दाद देंगे उतनी अच्छी हम दास्तान सुनाएंगे। ये साउंड का प्रॉब्लम है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अभी बेहतर है? वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मेरे माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए। दास्तान महाभारत तो उतनी ही नई बात है जितनी है पुरानी, एक रंग है आग इसका और एक रुकन है पानी, दाइम है असर इसका सर दुनिया ए फानी, नादा है जो समझे है इसे एक कहानी, रुदाद जहां भी है ये रुदाद अदम भी, किरदार इसी के है सभी आप भी हम भी, हर संत उफनता हुआ एक दरियाए लश्कर, अपनों को खता करते हुए अपनों के नश्तर, अपना ही लहू अपना बदन अपने ही खंजर, फिर जंग के मैदान में इल्हाम का मंजर, तारीख की पेशानी पे लिखा ये फसाना, फैजिस से उठाता रहे ता हश्र जमाना, फैजिस से उठाता रहे ता हश्र जमाना। तो हाजी, जानने वाले जानते हैं और मानने वाले मानते हैं कि ऋषि वेदव्यास ने योग की अजीमुशान ताकत से महाभारत तस्नीफ फरमाई। विद्वान लोग बताते हैं कि जब ऋषि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का मंसूबा बनाया तो श्री ब्रह्मा जी बनप से नफीस जाहिर हुए, दर्शन देते ही फरमाया कि गणेश जी का ध्यान करो, सब मतलब सिद्ध हो जाएगा। चुनांचे ऋषि वेदव्यास ने अकीदत बातनी और जज्बात कल्बी से काम लिया तो गणेश जी नमोदार हुए, फूल चंदन वगैरह से चरणों की पूजा की गई। बात इस एहतराम के ऋषि वेदव्यास अर्ज गुजार हुए कि हे बुद्धि विनायक, आप सा आलिम दानिश्वर और सारी रूहानी और जहानी को जानने वाला कायनात में दूसरा नहीं है। खाकसार की ख्वाहिश है कि इस जहान में धर्म के लिए जो सबसे अजीम जंग हुई और जिसमें खुद भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में शामिल होकर धर्म की गुत्थी सुलझाई, उसका कुल हाल मैं वेदों के इल्म के नज्म किया जाए। वेद व्यास जी ने अर्ज किया कि बमेहरे मालिके कायनात, खादिम तखलीक तो कर सकता है लेकिन इस जखीरे को कलमबंद करने की कुव्वत और काबिलियत खाकसार नहीं कर रखता है। चुनाचे गुजारिश है कि अजराहे करम खादिम का कहा हुआ आप कलमबंद करेंगे तो तमाम आलम को एहसान मंद करेंगे, आपका तहरीर करदा बेऐब होगा और दुनिया का कल्याण करने वाला होगा। तब शिव जी के साहबजादे यानी ताजदार इल्म दानिश मुश्किल कुशा गणेश जी ने हंसकर कहा कि मुनिवर, मेरी एक शर्त है, जो आप बोलेंगे हम लिखेंगे लेकिन हम कलम नहीं रोकेंगे, याद रहे कलम रुक गया तो हम नहीं लिखेंगे। तब व्यास जी बसत इंकिसार गुजारिश गुजार हुए कि मेरी भी एक इल्तिजा कबूल फरमाए कि आप तब तक मेरे कहे हुए किसी एक श्लोक को रकम नहीं करेंगे जब तक कि आप उसको हर जाविये से परख ना लेंगे और हर असरार आप समझ ना लेंगे। तो इस कौल करार के बाद उधर ज़बाने मुबारक से गौरवशानी होने लगी, इधर शाख कलम से गुलफशानी होने लगी। तो इस तरह यह अजीम ग्रंथ वजूद में आया और सुपुर्द कलम हुआ। ज्ञानी लोग बताते हैं कि जिस शख्स को वेद पढ़ने की ख्वाहिश हो वो पहले महाभारत पढ़े, जिसने महाभारत ना पढ़ी और वेद पढ़े उसका वेद पढ़ना और ना पढ़ना सब बराबर है। महाभारत रात को पढ़ी जाए तो दिन के गुनाहों का कफारा हो, दिन को पढ़े तो रात के पाप कट जाए। नामवर उर्दू शायर और मुसन्निफ जनाब तोता राम शाया ने नवाब आसिफ उद्दौला के जमाने में पूरी महाभारत मंजूम लिखी थी, मंजूम यानी शायरी की जबान में लिखी थी।
फरमाते हैं ज़बाने क़लम गुल फशानी पे है बहारे मजामी जवानी पे है ये किस्सा ज़माने में मशहूर है ये अहवाल इस तरह मज़कूर है क़लम में मेरी शह सवारी निसार यादी मजामी बने हैं सवार यादी मजामी बने हैं सवार। एक और किस्सा यूं सुनाया जाता है कि एक बार ऋषि वेदव्यास राजा जन्मे जय से मिलने हस्तिनापुर पधारे। राजा ऋषि वेदव्यास जी को देखकर उनकी चरण वंदना करते हुए कहने लगे कि अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। राजा ऋषि वेदव्यास जी को लेकर सभा भवन गए और सेवा अर्चना करने के बाद कहने लगे कि हे मुनि, आप तो तीनों काल की बात जानते हैं और आप ही तो कौरवों और पांडवों को भी उपदेश देते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों पक्षों का युद्ध से विनाश नहीं रोक पाए? द्रौपदी का जब अपमान हुआ तो आपने उसे क्यों ना रोका? मेरी आपसे विनती है कि आप कृपा करके कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए और ये सारी बातें भी मुझे बताइए। ये वचन राजा के सुन के ऋषि वेदव्यास कहने लगे कि राजन, कौरवों और पांडवों की बुद्धि का भाग्य गति के द्वारा नाश हो गया था, यही कारण है कि उन्होंने मेरे उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार होता है जब अच्छे से अच्छा मनुष्य भी अच्छे से अच्छी बात पर ध्यान नहीं देता है और इसी कारण कभी बहुत कुछ और कभी सब कुछ खो देता है। और आज यही वजह है कि हम तुम्हें उपदेश देने आए हैं तथा भविष्य के कोप से सचेत करने आए हैं। अगर तुम मेरे उपदेशों पर ध्यान न दोगे तो बहुत दुख और बहुत कष्ट भोगोगे। तो राजन, हम तुम्हें खबरदार करते हैं कि अगर तुम्हें कोई घोड़ा बहुत सुंदर दिखे और उसको हासिल करने का तुम्हारा दिल करे तो उसको तुम लेना नहीं और भाग्य के बिछाए जाल में फंसना नहीं, और अगर ये भी लेना तो उस पर सवारी ना करना, और अगर सवारी भी कर लेना तो उस पर बैठ कर कभी शिकार पर मत जाना, और अगर शिकार पर भी जाना तो कभी सुंदर स्त्रियों के जाल में ना आना, कुछ भी हो जाए तो भी उनकी बात ना मानना, और इसी में राजन तुम्हारा कल्याण है। अब इसके बाद ऋषि वेदव्यास जी अपने आश्रम चले गए और राजा जन्मेजय समय के साथ साथ ये सारी बातें भूल गए। एक दिन एक व्यापारी घोड़े बेचने आया। राजा को एक सुंदर घोड़ा बेहद पसंद आया और तुरंत खरीद भी लिया। कुछ दिनों बाद राजा उसी घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए गया। 30 से 12 सिंगा मारा तो उसके पेट से एक कन्या निकली जो बहुत सुंदर थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो कन्या? वो कहने लगी, मैं हूँ राज ऋषि की बेटी, मैं अपने पिता के हुक्म से यहाँ आई हूँ कि मैं राजा जन्मेजय से शादी करूँ। तो हे राजन, मुझको अपनी पटरानी बनाइए और अश्वमेध यज्ञ भी कराइए। राजा ने उस ऋषि कन्या को ग्रहण भी किया और अश्वमेध यज्ञ भी कराया। लेकिन रानी के कार्यकलापों को देखकर ब्राह्मण के बालक हंसने लगे। राजा ने गुस्से में उनके सर काट दिए। उसी वक्त अग्निदेव के कोप से हवन की अग्नि नगर को भस्म करने लगी और वो सुंदर कन्या भी अचानक कहीं गायब हो गई। ब्राह्मण हत्या से राजा के शरीर में कोढ़ हो गया और शरीर गलने लगा। परेशान होकर राजा ऋषि वेदव्यास को याद करने लगे। ऋषि वेदव्यास दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, अब समझ में आया राजन कि कौरवों और पांडवों ने हमारी बात क्यों ना मानी। चलो अब चुपचाप बैठ जाओ और महाभारत की कथा सुनो जिससे तुम ब्राह्मण हत्याओं से बचो। तो इस तरह ऋषि वेदव्यास ने राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाई और ब्राह्मण हत्या से मुक्ति दिलाई। उर्दू के मारूफ शायर मीरा जी अपनी नज्म एक ही कहानी में रकम तराज है कि सारी दुनिया महाभारत के किरदारों की तरह खुदगर्जी की सियाही में बर्बाद है। आज भी ये कहानी रोज दोहराई जाती है, रोज हमारे सामने आती है। मीरा जी कहते हैं, ये भाई वो भाई, कैसे भाई फेंका पासा, जाल में फंसा, सबको अपन की सैर कराई, तू भाई मैं भाई, कैसे भाई फिर से वही बात दोहराई, बड़े बड़ों ने जो भी किया है, जो भी लिया है, जो भी दिया है, जैसे जैसे घड़ियां बीती वही है होती आई, ध्यान किसी को है तो अपना, कैसे पूरा हो फिर सपना, कैसे कटेगी रैन सवेरा दुखने घेरा, जब भी देखा एक ही उलझन नए रूप में आई, कुंभकर्ण की नींद से सदियों का सोया दुर्योधन जागा, सब सुख भागा, पूरा पश्चिम हाहाकार मचाई, राजा डूबे
भाई। सबसे दूर अकेला बैठा ज्ञानी सोचे, चलते समय ने क्यों ये बात दोहराई? ये भाई वो भाई, कैसे भाई, कहाँ के भाई, कहाँ के भाई। कहते हैं कि अव्वल अव्वल व्यास जी ने 24,000 श्लोक सुखदेव जी यानी अपने फर्जंद को याद कराए, उन्होंने अपने नूरे नजर को पढ़ाए, फिर देवल मुनि ने 15,00,000 श्लोक पितृलोक में सुनाए, नारद जी ने 30,00,000 देवताओं को सुनाए। आज दुनिया में 1,00,000 श्लोक ऐसे हैं जो महाभारत के नामे नामी से मंसूब और आर्यव्रत की दीनी व दुनियावी अजमत की जिंदा यादगार है। इस अजीब तस्वीर में ऋषि वेदव्यास ने अमृत मंथन से लेकर आर्यव्रत तक के पदीन तारीख के तमाम हालात वाकयात साफ साफ तहरीर फरमाए हैं। खासतौर से बुजुर्गान आली मकान यानी पांडव खानदान के महाराज गान का इतिहास रकम कर दिया। अपनी तस्वीर में फरमाते हैं ऋषि वेदव्यास कि युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों पांडव गढ़मादन में कयाम पजीर थे। जब हस्तिनापुर तशरीफ लाए तो भीष्म पितामह, विदुर और धृतराष्ट्र का कलेजा हाथ भर का हो गया। वाशिष्ठिगानी शहर की कली कली खिल गई, जो देखता निछावर होता था। लोग सूरतो सीरत पर लोट हो रहे थे, लेकिन दुर्योधन और उसके 99 भाई दिल ही दिल में चलते थे और उनके दिलों में 100-100 पैर पलते थे। एक दिन बस चला तो भीमसेन को जहर दे दिया, उस पर भी नियत ना भरी तो उठाकर दरिया में डाल दिया, मगर भीमसेन खुदा के फजल से बाल बाल बच गया, एक रोया भी मैला ना हुआ। एक मर्तबा पांचों के पांचों को राल और राख के मकान में फूंकने की कोशिश की, लेकिन हाफिज हकीकी ने वहां से भी सही सलामत निकाला और हर हर कदम संभाला। फिर साजिशों का दौर शुरू हुआ, कौरवों ने पांडवों पर जुए का जाल फेंका और छल कपट से सब जीत लिया। यहाँ तक कि रानी द्रौपदी को भी युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया। कौरवों ने बरसरे दरबार द्रौपदी की बेइज्जती की, लेकिन मशियती इसी ने उसे बेइज्जत ना होने दिया। पानी सर से ऊपर हो चुका था, एक नादीदा डर से वक्त का दिल धड़क रहा था, कुछ ऐसा होने वाला था जो अब तक ना हुआ था। आखिर वो ही हुआ जिसका डर था और जो नहीं होना चाहिए था। जंग नागुजीर हो चुकी थी, मुकद्दर बन चुकी थी, सो जंग को टालने की आखिरी कोशिश के लिए भगवान कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर कौरवों के पास पहुंचे और दुर्योधन को समझाने की कोशिश की। इस वाक्य को रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ इस तरह बयान फरमाया है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, तो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 विराम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, टकमक टकमक दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख कगन मुझमें ले है, ये देख पवन मुझमें ले है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, जंजीर बढ़ा कर साध ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध ने। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझको बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, तू मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने
तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तूने मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हंसेश नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस्य का सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भोशाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे किधे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराज विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। तो हाल इन दोनों फरीकों ने जंग की जबरदस्त तैयारियां की। हर इलाके और हर राजे महाराजे से मदद मांगी गई। जब दोनों ने जंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली तो सोचा क्यों ना श्री कृष्ण से भी हिमायत मांगी जाए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी सारी फौज मांग ली और श्री कृष्ण ने एक सारथी के तौर पर पांडवों का साथ देने की हामी भर दी। और इस तरह की जंग की बिसात कुरुक्षेत्र के मैदान में पिच गई। ये अब तक की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी। ऐसी जंग न कभी किसी ने देखी थी न किसी से सुनी थी। जब फरीकैन का आमना सामना हुआ तो मैदानी जंग का अजीब आलम था। मामू इधर था तो भांजा उधर था, चचा इधर था तो भतीजा उधर था, नाना इधर था तो नवासा उधर था, दादा इधर था तो पोता उधर था। तो हाजरीन, जब अर्जुन ने देखा खड़े हैं तमाम चचे जादे और उस्तादे जी एहतराम। कहीं बेटे पोते कहीं यार हैं, ब्रादर हैं, मामू हैं, गमखार हैं, खुसर है कोई कोई दिल बंद है, के एक से लगा एक कपेबंद है, जिगर की जिगर से लड़ाई है आज, लड़ने को भाई से भाई है आज। हुआ दिल को अर्जुन के रंजो मलाल, कहा रहमो रिक्कत से होकर निढाल। बदन में नहीं मेरे ताबो तमाम, दहन खुश्क है सूखती है जबान, लगी है मुझे कप कपी थर थरी, मेरे रोंगटे भी खड़े हैं सभी, चला हाथ से मेरे गांडीव अब, बदन जल रहा है मेरा सब का सब। यानी कि समझने की बात ये है कि अर्जुन ने जब ये मंजर देखा तो उसका दिल जंगो जगत से उजाड़ हो गया। उसने तीर कमान एक तरफ रख दिया और मैदान जंग में सर पकड़ के बैठ गया। श्री कृष्ण ने जब ये मंजर देखा तो अर्जुन को अपनी ब्रह्मवाणी से समझाया और असल धर्म का रास्ता दिखलाया। श्री कृष्ण ने ऐन मैदान जंग में अर्जुन को जो असरार रूम समझाए और जो इल्मो फजल के दरिया बहाए वो सब गीता के उपदेश कहलाए। चुनांचे जिस गीता को सुनाकर श्री कृष्ण ने गौरवशाली की उसे हर शख्स को सुनना और गृह मानना लाजिम है। गीता में तमाम शास्त्रों का लुब्बे लुबाब है। जिस तरह सब देवताओं में भगवान ही भगवान है, उसी तरह हर तीर्थ में गीता ही गीता है। गीता के पयाम को शायरों ने कुछ यूं बयान फरमाया है। धर्म जिसने निभाया उसे कोई मिटा सकता नहीं, उसके प्यारों पर कोई भी हर्फ आ सकता नहीं, धर्म की मेहनत का जो निकले पसीना जिस्म से, कौन कहता है कि ये मोती बना सकता नहीं, हुक्म उसका एक है कमजोर और शहजोर को, उसके आगे बादशाह तक सर हिला सकता नहीं, लिख दिया जो कातिबे तकदीर ने इंसान उसे, कुछ बढ़ा सकता नहीं तिल भर घटा सकता नहीं, कारखाना जिंदगी का उसके एहसानों से है, उसका एक एहसान भी इंसान भुला सकता नहीं, वो बिगाड़े पल में जो इंसान बनाए उम्र में, जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं, जो बिगाड़े वो उसे कोई बना सकता नहीं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इंसान क्या है, रूह क्या है, खुदा क्या है, विशाले बारी ताला कैसे हासिल हो सकता है, निष्काम कर्म यानी बेलौस अमल क्या होता है और कैसे किया जाता है। ये इरफानी और रूहानी मजमून संस्कृत के 700 श्लोकों में बयान किया गया है। हर श्लोक मार्फत का एक रंगीन फूल है और इन्हीं 700 फूलों की माला को गीता का नाम दिया गया है। ये फूल उसी बाग से चुने गए हैं जिसका नाम गुलशन-ए-बका है और जिसे
आबे हयात में सींचा है। रूहानी फूलों की इस माला में अजब खुशबू है और गजब की तासीर है। श्री कृष्ण फरमाते हैं कि एक कुंती के लाल जो शख्स जिस तरह की तमन्ना, जिस तरह की ख्वाहिश और जिस तरह का अमल करता है, उसी की मुनासिबत से अजर पाता है। जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं तक पहुंचेगा, जो भूतों की इबादत करेगा वो भूतों तक रसाई हासिल करेगा, और जो ईश्वर का मुतलाशी होगा वो ईश्वर तक पहुँचेगा और मुक्ति हासिल करेगा। तो हवासो हवस से जो मजबूर हैं, हुए ज्ञान से उनके दिल दूर हैं, निकाले तबीयत से पूजा की रीत, करे दूसरे देवताओं से प्रीत, मनाए जो पितरों को पितरों तक आए, जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले, जिन्हें तीनों वेदों में है दस्तरस, वो जन्नत के तालिब पिए सोमरस, कोई आदमी गर्चे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सुकून दायमी पाएगा। समझ दिल से ये बात कुंती के लाल, मेरा भक्त पाए ना हरगिज जवाल, मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजिल पे जाएगा, वो तो आला मनाजिल पे जाएगा वो। श्री कृष्ण ने रूहानी असरार और रूस की सारी बातें बताने के बाद अर्जुन से कहा, ये कहना तेरा खुद अहंकार है कि मुझको लड़ाई से इनकार है, ये सब अस्त का पूर हो जाएगा, तू फितरत से मजबूर हो जाएगा। सुन अर्जुन, खुदा है खुदा हर कहीं, खुदाई के दिल में खुदाई है मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे, बताया तुझे मैंने ए पाक बात, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज, ए अर्जुन तू प्यारा है महबूब है, तेरा फायदा मुझको मतलूब है। कहा फिर अर्जुन ने ए रायजार, हुआ दूर शक और फरेबे ख्याल, पता चल गया दिल है मजबूत अब, बजाऊंगा आपके हुक्म सब। तो जंग शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे जब मिले पांडवों से मेरे लाल सब, लड़ाई का दिल में जमाए ख्याल, तो संजय बता उनका सब हाल चाल। यानी के इब्तिदाई जंग का मंजर संजय ने धृतराष्ट्र को कुछ यूं सुनाया कि जैसे ही अर्जुन गांडीव धनुष चढ़ाए नजर आया, तमाम महारथियों ने वो शोरगुल मचाया कि जमीन व आसमान सर पर उठाया। तमाम पांडु और उनके रफीक राजे महाराजे अपनी अपनी फौजों को हमरकाब लिए आगे बढ़े। उमंगे काबू में न थी, हौसले मयान के बाहर थे, शंख और गौमुख बाजे ऐसे बजे कि बादलों की गरज मान थी। जमीन से लेकर आसमान तक सबको खबर हो गई कि आज कौरवों और पांडवों का रण पड़ेगा। देवता गंधर्व किन्नर सब आसमान से जमीन की जानिब देखने लगे कि कैसा अजीम शान समा है, जमीन पर बहादुरों और जियालों का समंदर जमा है। जैसे ही दोनों फौजी समंदर टिड्डी दल की तरह आमने सामने आए, युधिष्ठिर ने अपने हथियार फेंक दिए, रथ छोड़ दिया, जूते उतार दिए और भीष्म पितामह की जानिब दौड़ चले। सब पुकार उठे कि हाय ये क्या कर दिया, अभी तो दो दो हाथ भी ना हुए थे, अभी से हाथ जोड़ बैठे। श्री कृष्ण आलमे गायब थे, अंतर्यामी थे, उन्होंने सबको समझाया कि ये बुजदिली नहीं है, राजा युधिष्ठिर बुजुर्गों से जंग की इजाजत लेने गए हैं, यही सआदत मंदी है। युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, मैं बुजुर्गों की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करता, आप इजाजत दें तो हथियार उठाऊं, मुकाबला आपसे है, मुझे दुआ दीजिए कि फतेह मेरी हो। भीष्म ने कहा, क्योंकि आज भी तुम्हें पास अदब मलहूज खातिर है, चुनाचे आशीर्वाद देता हूँ कि फलो फूलो मैदान मारो और ये लड़ाई जीतो। जिसको बुजुर्गों का ख्याल धर्म का अदब है, ऐसे इंसान को शिकस्त नहीं हो सकती। द्रोणाचार्य ने भी कहा, तुम्हें बुजुर्गों का अदब है, इसलिए मेरी दुआ है कि तुम फतेह याब हो। हम लड़ेंगे जरूर कौरवों की तरफ से, लेकिन दुआएं करेंगे तुम्हारे लिए। और फिर जब जंग शुरू हुई तो ऐसी जंग न कभी हुई थी और न होगी। बहादुरों के नारों से कानों के पर्दे फटे जाते थे। भीमसेन ऐसा गर्जा कि हाथी चिंगारना भूल गए, घोड़ों ने हिलना बंद कर दिया, बुजदिल दहल गए, कौरवों के पैर गोंद से चिपक गए,
भीमसेन गरजा तो शूरवीर झपटे। दुर्योधन ने सब भाइयों को ललकारा, सब ने मिलकर ऐसा घेरा, फिर तो कोई रास्ता ना रह गया। फिर तो वो जंग हुई कि अल हफीजो अल अमा, सुभद्रा के बेटे अर्जुन के फर्जन ने चचा को घेरा देखा। चचा को घिरा दे कर एक तरफ से पाला संभाला। द्रोणाचार्य ने देखा तो तीरों की बौछार शुरू कर दी। ऐसे ऐसे तीर बरसाए कि आसमान पर सितारों की सी रोशनी छा गई। कौरवों ने भी बिजली गिराना शुरू कर दिया। दुर्योधन जाल पर खेल रहा था, एक सब से दूसरी में बिजली की तरह पौंध रहा था। जंग चलती रही, खून की नदियां बहती रही, पड़ती गई। खून के फव्वारे सावन भादों की झड़ी का समा दिखाते थे। कभी भीष्म पितामह तीर बरसाते आगे बढ़ते, तो कभी अर्जुन की कमान से आग बरसती। अर्जुन की बहादुरी देखकर भीष्म ने शाबाश कहा। हर लड़ने वाला शराबे शुजात से बदमस्त था, चेहरों पर जलाल और आंखों में जोश गजब था। रथों ने रथों से, फील बानों ने फील बानों से टक्कर ली। रथ बान औंधे मुंह गिरे, घोड़ों के दम उखड़ गए, हाथियों पर हाथी गिरे तो टक्करों से जलजले का समा था। मस्त हाथियों ने घोड़ों की हड्डियां पीस डाली, घोड़ों ने प्यादों को रौंद डाला, प्यादे तलवारें सौंध सौंध कर घुड़सवारों पर जा पड़े थे। बहादुरों ने चकना चूर रथ उठाकर जो फेंके तो घोड़ों की जान गई। फील बानों ने हजारों को कुचल डाला, तीरों ने किसी का सर उड़ा दिया तो किसी के बाजू, कुश्तों के पुश्ते बंद गए, जख्मियों का बिछौना बिछ गया, लाश पर लाश गिरती थी, तलवार से तलवार कट गई। बकौल पंडित दत्तात्रेय कैसी दमे जंग थी तेग की वो रवानी, जिगर जिस शेरों के थे पानी पानी, उबर में फना थी पए जिंदगानी, अमा जिससे दुश्वार थी बच के पानी, शुजात के जौहर जो पहचानते थे, वो लोहा उसी तेग का मानते थे, वो जब मयान से निकली भरकर तरारे, तो धुंधला गए बर्फ के भी शरारे, नजर आए चश्मे अदू में सितारे, बसिक बाद में सैकड़ों सर उतारे, चढ़ा बाढ़ पर जो अदम को सिधारा, जो मुंह पर चढ़ा बस उसे घाट उतारा, वो शामस सिसर पर गनीमों के आई, न फुर्सत जिन्होंने संभलने की पाई, गनीम उनके नामों से थे खौफ खाते, अदू हाल से उनके थे कप कपाते, न पहले कभी दांव अपना चलाया, सिमर के न घूंघट में मुंह को छुपाया, सदावार दुश्मन का सीने पिखाया, न गिरते हुए पर कभी हाथ उठाया, न गिरते हुए पर कभी हाथ उठाया। और फिर जब दूसरे दिन जैसे ही जंग का गुगल बजा, तो आज तो भीष्म पितामह अलग ही रंग में थे। वो जिधर से भी गुजरते थे पुश्तों के पुश्ते लगा देते थे। जिस सब पे गिरी सैफ सफाई नजर आई, तुलकर जो पड़ी सैफ सवाई नजर आई, तरकीब अनासिर में जुदाई नजर आई, ना शाना ना बाजू ना कलाई नजर आई, बाजू पे जो तड़पी ना किसी दोष पे सर था, पहलू पे जो चमकी ना दिल था ना जिगर था। और फिर भीष्म पितामह ने तीर कमान उठाया और ऐसा हमला किया कि आसमान पर तीरों की बारिश से अंधेरा छा गया, बड़े बड़े सुरमाओं का दिल दहल गया और अर्जुन जैसे जरी जाने तक का हाथ शर हो गया। इससे पहले कि अर्जुन का काम तमाम हो जाता, भगवान कृष्ण ने उसको बचाना जरूरी समझा। अर्जुन की बुरी हालत देखकर भगवान कृष्ण दौड़ पड़े। उनको अपनी तरफ आकर आता देखकर भीष्म पितामह यूं गोया हुए कि आइए तशरीफ लाइए, हमारी ऐन खुशकिस्मती की मौत आपके हाथों से मिले। ये कहकर सर अदब से झुका दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई हमला नहीं किया, बस अर्जुन को बचा लिया। फिर भीष्म पितामह जंग में जख्मी होकर बाण शैया पर पहुंच गए। उसके बाद द्रोणाचार्य ने जंग की कमान संभाली और चक्रव्यूह की रचना की। फिर कौरव सरदारों ने मकरो फरेब से अकेले अभिमन्यु को घेर कर बेगैरती की सारी हदें पार करते हुए बेदर्दी से अभिमन्यु को कत्ल कर दिया। लेकिन अभिमन्यु ने मरते मरते 10,000 महारथी चक्रव्यूह में मारे और तब जान दी। अर्जुन को जब ये बात पता चली, उसने उसी वक्त जयद्रथ को यानी कि अर्जुन के कातिल को कत्ल करने की कसम खाई। कौरवों ने उसे बचाने के लिए आखिरी दम लगा दिया, लेकिन अर्जुन ने उसे कैफर किरदार तक पहुंचा कर ही दम लिया। फिर एक दिन भीमसेन ने इंद्र वर्मा का हाथी अश्वत्थामा मार गिराया। महाराज युधिष्ठिर जो बड़े सत्यवादी थे, यानी जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी या आदमी ईश्वर जाने।
ये आखिरी जुमला उन्होंने दबी जबान से कहा। द्रोणाचार्य ने बेटे के रंजो अलम से बेबस होकर हथियार फेंक दिए। इतने में ही धृतदमन ने उनके बाल पकड़कर गर्दन तलवार से अलग कर दिए। उसके बाद करण को सिपहसालार बनाया गया, लेकिन अर्जुन के ब्रह्मास्त्र ने करण जैसे ज्याले तक को खत्म कर दिया। करण के मरने के बाद लश्कर का बुरा हाल था, हर शख्स बेबस और बदहाल था। फिर भीमसेन ने दुशासन का खून पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई। उसके बाद राजा शल और दुर्योधन की बारी थी, तो हो गया युधिष्ठिर के हाथों राजा शल का वध और सहदेव के हाथों मामा शकुनी का वध। फिर वो वक्त भी आया जब कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा के अलावा कोई नहीं बचा था। दुर्योधन जख्मों से बेहाल था, जिसमें कि हर हिस्से पर जख्म था। वही दुर्योधन जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं का सर झुकता था, अब कमजोर और बेबस था कि फरमा गए हैं पंडित कृष्ण चंद्र सेवा, एक हालत पर कभी दुनिया में कुछ रहता नहीं, एक सी धारा लिए दरिया कभी बहता नहीं, चांद का चढ़ना उतरना है सबूत इस बात का, कुछ भरोसा ही नहीं इंसान की औकात का, कुछ भरोसा ही नहीं इंसान की औकात का। चुनाचे भीमसेन अपना गुरज लिए वहां पहुंचा और दुर्योधन का काम तमाम किया। इस आखिरी कतल से महाभारत का इख्तिताम हुआ। जंग के इख्तिताम पर श्री कृष्ण की हिदायत पर पांचों भाई राजधानी की सैर को निकले। जुलूस में हम रकाब सैकड़ों राजे महाराजे थे। धृतराष्ट्र को आगे रखकर युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का गश्त किया। शाही बाजों की आवाज आसमान तक जाती थी। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर था, सोने चांदी के सिक्कों की बारिश का जोर था। हर शख्स दस्त बदुआ था कि महाराज युधिष्ठिर की जय हो, महाराज युधिष्ठिर की जय हो। शहर की सड़कें चौथी की दुल्हन से ज्यादा सजी थी। नौ उम्र लड़कियां हर मोड़ पर गीत गाती थी, शाही सवारी पर फूल बरसाती थी। हर तरफ गुलो गुलजार था, जश्ने मौसमे बहार था। गली गली सुंदर सजीले कन्याओं के होल स्तब वालियां तराने गाते थे और इन तरानों को सुनकर आवाम के दिल झूम झूम जाते थे। उर्दू के शायर नजीर बनारसी ने स्तब वालियां तराने गाती कन्याओं को जो अल्फाज दिए हैं वो आप भी समाप्त फरमाए। कन्याओं का एक बोल गाता था, घर की किस्मत सजी घर में आए सजन, ऐसे महके बदन जैसे चंदन का बन, आज धरती पे है स्वर्ग का बागबन, अप्सराएं क्यों न गाएं मंगला चरण, उनके चरणों में फूल और फुलवारियां, आगमन उनका मधुमास का आगमन, आगमन उनका मधुमास का आगमन। महल में दाखिल हुए, चारों भाइयों ने राज तिलक का सम्मान किया। नकुल और सहदेव हाथी दांत के सिंहासन पर और युधिष्ठिर हीरे जवाहरात के सिंहासन पर अर्जुन और भीम को दाएं बाएं लेकर बैठे। चारों भाइयों ने तिलक लगाया, श्री कृष्ण ने पंचजन बजाकर राज तिलक कराया। फिर नाच हुआ, रास रंग हुआ, शहर में घर घर में रोशनी हुई, आतिशबाजी हुई। तो इस तरह राजा युधिष्ठिर मुतसल्लित होकर चक्रवर्ती सम्राट बने और लंबे अरसे तक राज करने के बाद सशरीर बैकुंठ गए। तो हाजरीन, सोजिश दिल की खूने गरम की थी, धर्म से जंग ये अधर्म की थी, भाग्य की बात कब थी कर्म की थी, बात इतनी सी थी पर मर्म की थी, पांच पांडव थे और 100 कौरव, सच वही था जहाँ पे थे माधव, जब हकीकत मजाज हो जाए, जुल्म की शब दराज हो जाए, ये जमीन बेनियाज हो जाए और कातिल फराज हो जाए, शख्स का रूप धारता है कोई, हल्क को फिर संवारता 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 है कोई। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारी दास्तान पसंद आई।